हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं प्रियंका आज आप सभी के सामने एक वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ यूपी पीसीएस प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन को लेकर के। तो आप सभी के क्वेश्चंस थे कि मैम कोचिंग को लेकर के कि मैम कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें जो आपके लिए बेस्ट रहेगी, या फिर कौन सा स्टडी मटेरियल चूज किया जाए, इसके साथ साथ प्री की कैसे प्रिपरेशन करें और मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो इन सभी डाउट्स को लेकर के मैंने वीडियो बनाया। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, इसमें सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग को लेकर के, जो कि आपने पूछा है मैम कौन सी कोचिंग बेस्ट रहने वाली है। देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं तो प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन होती है। आप सभी को पता होगा कि आप अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है प्री प्लस मेंस की, क्योंकि प्री की अलग और मेंस की अलग नहीं होती। तो मेंस से स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको वो सोर्स चुनना है जो आपको कम समय में आज के जो ट्रेंड है, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, पैटर्न है, उसको लेकर के चले। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, आप जब चाहे रिपीट करके देख सकते हैं। प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगी, मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, एक सब्जेक्ट कई दिनों तक होता है, जब तक एक सब्जेक्ट कम्प्लीट नहीं हो जाता तब तक दूसरा सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकते। इसके अलावा कुछ और चैनल मैं आपको सजेस्ट करती हूँ जिसमें आप अपने करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं, सी सेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या अदर सब्जेक्ट को भी साथ में लेकर के चल सकते हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, आप चाहे प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, तो आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन मेरे साथ भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं प्री के लिए, चाहे आप पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आरओईआरओ के लिए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि करंट अफेयर मेजर रोल प्ले करती है आपके एग्ज़ाम में। इसके लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर के लिए ओनली करंट अफेयर नाम से एक चैनल है, आप उस पर प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स की हेल्प ले सकते हैं, आर एस टी वी है, पी आई वी न्यूज़ है, इन सभी की हेल्प से, और डी डी न्यूज़ भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप लेटेस्ट न्यूज़ में, आप लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रही है उनसे आप कनेक्ट हैं। तो आपको अपनी करंट अफेयर बहुत मजबूत रखनी है, क्योंकि करंट अफेयर आपका मेंस में भी और आपके प्री में भी एक मेजर रोल प्ले करेगा। इसके साथ साथ आप और चैनल जो मैं बता रही हूँ आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे सी सेट प्रिपरेशन, तो सी सेट प्रिपरेशन के नाम से जो चैनल है वो आपकी सी सेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको सारे सी सेट के पेपर एक साथ हल कर लेने हैं, जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, अब जान लीजिए प्री और मेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो प्री के लिए मैंने आपको बताया, जब आपका एग्ज़ाम पास में होगा तो 1 से 2 महीने आपने जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जा रही है। पेड क्विज मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने स्कॉलरशिप टेस्ट भी लॉन्च किया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी डिफरेंट प्राइज हैं, आप उनके साथ अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं। मेंस के लिए मैं आपको अगला वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, मेंस के नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं वो मैं दिखा दूंगी, और प्री के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं वो भी मैं आपको एक वीडियो में दिखा दूंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, और मेंस के लिए आपको वही सोर्स चुनना है जो आपके लिए आपको कंफ्यूज ना करें, क्योंकि आप देखेंगे 10 बुक पढ़ेंगे तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। आपको अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी होती है, पढ़ाई आपको खुद करनी होती है। इसके लिए करना क्या है, आप 10 बुक को ना फॉलो करें, आपको 10 जगह से कोई भी क्वेश्चन के आंसर ना ढूंढने पड़े, इसके लिए आप एक सोर्स बेहतर चुनिए। आप 10 जगह से देख रहे हैं, ठीक है, आप पहले हर जगह देख लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपके लिए कौन सी कोचिंग बेहतर रहने वाली है, क्योंकि आपको वो स्टडी मटेरियल नहीं ज़रूरत है जो अच्छा लग रहा है, आपको उस स्टडी मटेरियल की, उस सोर्स की ज़रूरत है जो आपको सिलेक्शन दिला सके। लेटेस्ट ट्रेंड को समझना है, लेटेस्ट पैटर्न को समझना है, पी वाई क्यूज पे फोकस रखना है कि पिछले क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो पेपर आ रहे हैं आप उसमें देख रहे हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है, और उसी को फोकस करते हुए आपको आंसर राइटिंग करने की भी ज़रूरत है। तो कोचिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको चैनल मैं फिर से बोल दे रही हूँ, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप चाहे पेड कोर्स लेकर के प्रिपरेशन करें या इनके फ्री इनिशिएटिव भी अवेलेबल हैं, आप उनसे प्रैक्टिस करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन है, ओनली करंट अफेयर्स है, सी सेट प्रिपरेशन है, इसके अलावा आपको डी डी न्यूज़ फॉलो करना है, पी आई डी न्यूज़ फॉलो करना है, आर एस टी वी ओनली करंट अफेयर्स वाला चैनल है जिसमें आप डेली करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी प्रिपरेशन को लेकर के जो आपके डाउट्स थे कि कोचिंग कौन सी ज्वाइन करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन। देखिए, प्रिपरेशन के लिए आपको ध्यान में रखना होगा जो आपके लिए बेहतर है, बस वही बेहतर है। तो आप जिससे प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, बस उसी को तैयार कीजिए। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।